ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप जैसे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ओके तो अगर तुम माइनक्राफ्ट खेलते हो तो तुमको तो पता ही होगा भाई, माइनक्राफ्ट में खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई। खाने के बदले तुम जिंदा रह ही नहीं सकते खाने के बिना। तुम तो इसके चलते हम लोग काफ़ी एनिमल को मारते हैं, काफ़ी सारे एनिमल को। एग्जाम्पल के लिए तुम पिगी को ही ले लो, देखो उसका शक्ल तो देखो यार, शक्ल दिखाने बोल रहा हूँ, क्या दिखा रहा है ये पिगी। तो मासूम है ये पता है, लेकिन इसके रिश्तेदार मासूम नहीं है। वो होता है ना वो बड़ा वाला सुअर जो नेदर में मिलता है। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि हम लोग कोई भी एनिमल को बिना मारे, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, उससे उसका मीट, रिसोर्सेस, मटेरियल ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ओके तो आज मैं यही ट्राई करने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ओके तो यहाँ पर मुझे गाय दिख चुका है। हेलो काउ अंकल इधर आओ, इधर देखो, क्या इग्नोर मार रहा है यार मेरे को। ओ वीट देख के वापस आ गया, पहले थोड़ा फीड कर लेते हैं भाई। ट्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्या होता है वो भाई? हम लोग काउ से ट्रेड कर सकते हैं, उसको बिना मारे उसका मीट ले सकते हैं, हम लोग वीट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। वाह भाई, ट्रेड करने के बाद इसका भाई बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या ही खुशी खुशी जा रही है। वाह ओके तो अभी पिग के साथ ट्राई करते, पिग क्या मेरे को ट्रेड देंगे? पहले बिल्ली का ट्राई करते, बिल्ली साथ शायद नहीं कर सकते ट्रेड। ओके हेलो पिग, क्या तुम मेरे को ट्रेड में क्या दोगे? भाई ये भी मीट दे रहा है 13 कैरेट के बदले भाई, एक्सचेंज ऑफर, आलू के साथ भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। वाह इट्स फैंटास्टिक। अभी मेरे को देखना है कि शिप के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्या। पहले बहुत सारे शिप को स्पॉन कर लेते हैं इधर पे। अरे भाई छुटके वाले शिप आ गया। ओके तो मेरे पास वीट है भाई, वीट देखते सबका हालत टाइट हो जाता है। गाय तेरा इस बार काम नहीं है, निकलो इधर से। ओके शिप भाई लाइन से सब आ रहा है, तुम भी खाओ और तुम भी खाओ। चलो ट्रेड करके देखते हैं लोगों के साथ, ट्रेड करने का ऑप्शन तो आ रहा है। ओके तो ये शिप के साथ ट्रेड करके देखते हैं भाई। 47 वीट के बदले मेरे को 9 वूल दे रहा है, मीट भी दे रहा है, वूल मीट दोनों भाई ट्रेड कर सकते हैं भाई, मारने का क्या जरूरत है एनिमल को। ओके तो ये तो सक्सेसफुली हो गया। और एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि तुम कोई भी अपना कीमती सामान, डायमंड या फिर आर्मर कुछ भी चेस्ट पे रखते हो कहीं पर भी, तो कोई उठा के लेके चले जाता, भाग जाते, चोरी कर लेते हो ना। तो अभी मैं तुम लोगों को वही बताने वाला हूँ कैसे किया जाए एंड क्या किया जाए। तो मैं एक ऐसा चेस्ट बनाने वाला हूँ जो कि मेरा पेट भी रहेगा, मीन्स जिधर जिधर मैं जाऊँगा ना मेरे पीछे पीछे मेरा चेस्ट भी आएगा, एंड वो मेरा पेट के जैसा भी काम करेगा, और मैं उसके ऊपर सवारी भी कर सकता हूँ। बहुत खतरनाक चीज़ है ना। क्या तुमने रैबिट को सब्सक्राइब किया? अब कौन अंकल, मैंने किया है। और तुम लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, नहीं तो ये अंकल आके तुम लोग को रात को सपने में डराएगा। ओके तो यह तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक क्रीपर का जैसा कुछ सकल टाइप का है ना। यस ये क्रीपर एग बोल सकते हो एक तरह से। तो इसको पहले यहाँ पर स्पॉन कर देते हैं भाई, यही एक मॉब है जिससे सब कोई डरता है इंक्लूडिंग मी। ओके तो पहले इसको गन पाउडर से टेम कर लेंगे, देखते हैं। अरे भाई कितना खाएगा यार, भुक्कड़ कहीं यार। यस टेम हो गया। अब देखो सिट स्टैंड का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मेरा पेट बन चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस पर बैठ गया भाई। वाह क्या कॉमेडी लग रहा है, वाह देखो क्या खतरनाक लग रहा है। क्रीपर के ऊपर सवारी, कोई भी तुम्हारे पास नहीं है अगर ऐसा सवारी होगा तो। और इसके अंदर मैं अपना सामान भी रख सकता हूँ, चेस्ट के जैसे कुछ भी रख सकते हो यार तुम। चेस्ट में जैसे सामान एकदम सिमिलर टाइप का है कुछ भी, और कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, चेस्ट के पास भी नहीं आएगा भाई, सबका हालत ख़राब हो जाएगा देख के। और तुम कहीं भी जाओ माइनिंग करने, कहीं भी ये चेस्ट तुम्हारा पीछा करते रहेगा, और कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा भाई, क्योंकि सब डरते हैं इससे। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो। अगर तुम लोग को मेरे वीडियो में मजा आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।